अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं पठान फरीन बानो, आपकी ऑनलाइन टीचर। बच्चों, आज हम जमाते हफ्तुम मजमून उर्दू सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि इंसान पहले गारों में रहता था, फिर वो सर्दी गर्मी और बरसात से बचने के लिए कच्चे मकान या झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इसके इस इर्तिकाई सफर के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं। नील डेफो 1660 में लंदन में पैदा हुए। वो एक सियासी सामाजिक शख्सियत के मालिक और रिवायती मज़हब के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने कई किताबें लिखी। अंग्रेज़ी की इब्तदाई नावल निगार में इनका शुमार किया जाता है। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लिस्तान और अतराफ के इलाकों में सफ़र करते हुए गुजरा। रॉबिन क्रूसो और दुनिया के गिर्द सफ़र इनकी मशहूर किताबें हैं। इनमें इन्होंने इंसान को हर वक्त मुतहरिक रहने और अमल करके कुछ हासिल करने का सबक दिया है। इनका इंतकाल 1731 में डॉनविल मुकाम पर हुआ। यह वाक़या अंग्रेज़ी नावल रॉबिन क्रूसो से लिया गया है। रॉबिन क्रूसो एक समंदरी सफ़र पर रवाना होता है। अचानक तूफान आ जाने से इसका जहाज़ समंदर में गर्क हो जाता है। क्रूसो की जान बच जाती है और वो एक वीरान जजीरे पे पहुंच जाता है, जहां वो कई बरस रहता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसे बहुत से जतन करना पड़ता है। मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़ी से मुसल पहाड़ी की दीवार को काटकर एक गार नुमा छोटा सा कमरा बनाया और अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था इस वीरान जजीरे ही में मुझे ज़िंदगी गुजारना है, और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। एक दिन मैं गार में अंदर काम कर रहा था, एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गिरी। अगर मैं ज़रा सी भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी खबर बन जाता। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ियाँ के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ियाँ की बल्लियाँ खड़ी की और उनको तख्ते से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियाँ सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी ना रहा। मेरे पास की मोमबत्तियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं अंधेरे की वजह से रात में सो जाया करता था। मैंने बाद में एक तरकीब निकाली, मिट्टी का एक चिराग बनाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतज़ाम हो गया। वो रोटियां जो मैं जहाज़ पर से लाया था, अब वो थोड़ी रह गई थी। मैंने अपनी खुराक भी कम कर दी थी, बस एक रोटी रोज़ाना खाया करता था। मुझे ये फिक्र खाई जा रही थी कि जब रोटियाँ ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर सोचा, अगर ज़िंदगी बाकी है तो कुदरत कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देगी। इस दौरान मैंने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे। मैं जानता था कि कछुए रेत में अंडा देते हैं। तलाश करने पर मुझे कई जगह अंडों की छोटी छोटी ढेरियाँ नज़र आई। जब से मैं इस जजीरे में आया था, अंडे नहीं खाए थे। उन अंडों को देखकर मेरा जी ललचाया। मैंने जब वो अंडे खाए तो मुझे बहुत लजीज मालूम हुए। एक दिन मैं घूमता फिरता एक पहाड़ पर चला गया। इस पर तरह तरह के मेवेदार पेड़ थे। मैंने कुछ फल तोड़े और खाए। फल मीठे और जायकेदार थे। मैंने कुछ नींबू तोड़े। नींबू का अर्क पानी में मिलाकर पीने से पानी मज़ेदार मालूम होता है। 30 सितंबर को मुझे इस जजीरे में आए हुए पूरा एक साल बीत गया। मैंने उस दिन की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया। मैंने अपने घर के चारों तरफ लकड़ी की शाखें काट कर घेरे की सूरत में गाड़ दी थी। बरसात में देखा कि उनमें नई शाखें फूटी हैं। कुछ अरसे में वो बड़े बड़े दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गई। मैंने इस किस्म का एक और घेरा तैयार किया। इस तरह ये घेरे दोहरे हो गए, आप खूब सायादार बन गए। अब मेरा घर गर्मियों में के मौसम में भी साया और ठंडक में रहने लगी। यूँ मेरा मकान जंगली जानवरों से भी महफूज हो गया। एक बार मैंने एक बकरी का बच्चा पकड़ा।
वो रफ्ता रफ्ता मुझसे मानूस हो गया। मेरे हाथ से चारा खाता था और मेरे साथ घूमता फिरता था। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं बहुत सारी बकरियां पालूंगा। इसका फायदा ये होगा कि ज़रूरत पड़ने पे मुझे गोश्त और दूध की कमी नहीं होगी। मैंने एक तोता भी पाला, वो मेरा नाम रटा करता था। मैं खाली वक्त में उसे पढ़ाने लगा। ये तोता खूब बोलता, मैं घर के एक अफराद की तरह उससे मोहब्बत करता था। मैंने तोते के लिए एक पिंजरा भी तैयार किया। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 2 साल बीत गए थे। मैंने एक गल्ला उगाने के लिए ज़मीन तैयार की, मेंढिया बांधी, कुदाल से ज़मीन ठीक की, हल का काम एक मजबूत नोकदार लकड़ी से लिया। ज़मीन तैयार होने पर मैंने धान और जू बो दिए। दिसंबर के आखिरी में फसल काटने का वक्त आया। मेरे पास फसल काटने के लिए दराती नहीं थी। मैंने एक तलवार को तोड़कर उससे दराती का काम लिया। जब फसल कट गई तो ढेर सारा गल्ला देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मेरा पेट भरने का इंतज़ाम कर दिया। मुझे बर्तनों की भी सख्त ज़रूरत थी। एक जगह चिकनी मिट्टी मिल गई। मैंने एक गोल सा बर्तन तैयार किया और उसे धूप में सुखाया। ये बहुत भद्दा और भारी लगा, लेकिन इसमें खुश्क चीज़ें रखी जा सकती थी। फिर मैंने छोटी छोटी हांडियाँ बनाई और उन्हें आग पर पकाया। इस तरह वो पुख्ता और मजबूत हो गई। मैंने एक भट्टी तैयार की जिसमें कई बर्तन पक सकें। अब मुझे इस तरह की छोटी या बड़ी हांडिया की ज़रूरत होती तो मैं बना लेता था। आटा पीसने के लिए मैंने एक सख्त लकड़ी की एक ओखली बनाई और उसी लकड़ी का मोसल बनाया। मैं इस ओखली में जू कूट लेता। एक दरख्त की छाल की झिल्ली से छन्नी बनाई। तवे के लिए मिट्टी का एक कुंडा बनाया। कोयले ढाक कर उनके ऊपर इस कुंडे को रख देता था और उसके चारों तरफ अंगारे लगा देता। जब कुंडा खूब गर्म हो जाता तो इस पर जू के आटे की रोटियां सेक लिया करता था। इस तरह ये रोटियां खूब मज़ेदार और सीकी हुई पकती थी। चावल उबालने के लिए हंडी काफ़ी थी। अब मुझे इस जजीरे में रहते हुए 4th साल बीत गया था। मेरे पास ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। मैं अपने आप को यहाँ का राजा कहूँगा तो बेजाना होगा। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा ना था। मैं आज़ाद था, अपनी मर्जी से सारा काम करता था। मेरी ज़िंदगी के दिन आराम से गुजर रहे थे। इस दरमियान मैं एक छोटी सी डोंगी बनाना शुरू किया। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद डोंगी तैयार हो गई। मैंने डोंगी की जगह से 3 हाथ चौड़ी और 2.5 हाथ गहरी एक नाली खोदी और 2 फरलांग पर जो नाला था उससे मिला दिया। इस तरह डोंगी को आसानी से पानी तक पहुंचाने में कामयाबी मिल गई। मैं कभी कभी इसमें बैठकर समंदर के किनारे किनारे घूमने निकल जाता। एक बार मैंने टापू के चारों तरफ घूमने का इरादा किया और खाने पीने का सामान डोंगी में रखकर निकल पड़ा। इस सफर में कई रोज लग गए। एक दिन हवा बहुत तेज थी और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही थी। मैंने डोंगी को एक नोकीली चट्टान से बांध दिया और 3 दिन तक एक पहाड़ी पर रुका रहा। 3rd रोज जब हवा का जोर कम हुआ तो मैंने डोंगी खोली और चल पड़ा, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। किसी भी वक्त कोई बड़ी सी मौज डोंगी को उलट सकती थी। थोड़ी देर बाद खुदा की मेहरबानी से हवा का रुख बदल गया और डोंगी शुमाल की सिम बहने लगी। अगर हवा का रुख ना बदलता तो डोंगी दूर समंदर में चली जाती और यकीनी तौर पर मैं हलाक हो जाता। आखिर डोंगी शाम तक किनारे पर पहुंच गई। मेरी जान में जान आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को एक महफूज जगह पर बांध कर ऊपर आ गया। मैं थकन से चूर था, इसलिए वहीं रेत पर पड़कर सो रहा। पता नहीं कब तक सोता रहा। फिर मुझे नींद में ऐसा लगा कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, क्रूसू क्रूसू, तू कहाँ गया था? मैंने 1-2 बार आंखें खोली, फिर सो गया।
मैं इस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था, लेकिन ये वहम नहीं था। ये मेरे प्यारे तोता मेरे खांदे पे बैठा हुआ और इतने दिनों के बाद मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रहा था। मैंने तोते को अपने साथ लिया और अपने गार वाले घर में वापस आ गया। उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था।